वाईफाई एरा चला हुआ है, हर जगह वाईफाई है, वाईफाई के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को आप अपने राउटर को चेंज करके या फिर राउटर में कुछ चीज़ों को चेंज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। माय नेम इज उदेश शर्मा, वेलकम टू डी रावत। दोस्तों, वाईफाई की प्रॉब्लम्स को मैं तीन कैटेगरीज में डिवाइड करने वाला हूँ, स्पीड, रेंज और फ्रीक्वेंसी। तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बट मैं तीनों को एग्जैक्टली बताऊंगा कि एग्जैक्टली होती क्या है और कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करती है। दोस्तों, स्पीड की बात करें तो सारे राउटर्स क्लेम करते हैं कि हमारी राउटर में 54 Mbps की स्पीड आ रही है, 100 Mbps की, 300 Mbps, 1000 Mbps, 1 Gbps, गीगाबाइट राउटर अलग आते हैं 10-10, 12-12 हज़ार रुपये के। दोस्तों, एक्चुअल में होता है वो नेटवर्क स्पीड होती है कि जब आप एक लैन पोर्ट से दूसरे लैन पोर्ट से जब स्पीड ट्रांसफर करेंगे तो इतनी आएगी। वाईफाई के थ्रू कितनी आएगी वो अलग से उसमें लिखा होता है। वैसे कई बार जो उन्होंने क्लेम की होती है वही होती है वाईफाई की स्पीड भी, बट आपको एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है ज़्यादा डिवाइसेस के चक्कर में। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि अगर ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आपके राउटर से तो आपको स्पीड कम मिलने वाली है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि हाई एंड राउटर्स पर जाएँ, क्योंकि उनके में जो प्रोसेसर लगा होता है, उनका जो CPU होता है वो थोड़ा हाई एंड होता है और वो ज़्यादा डिवाइसेस को झेलने के लिए बनाया गया होता है। कई बार हम सोचते हैं कि 54 Mbps का राउटर है, हमारी तो 30 Mbps की ब्रॉडबैंड की स्पीड है, 54 Mbps तो बहुत है, हम क्यों राउटर चेंज करें। नहीं दोस्तों, कई बार आपको राउटर चेंज करना पड़ सकता है क्योंकि आपके पास ज़्यादा डिवाइसेस हो सकते हैं और आपको 54 Mbps हर डिवाइस में, जैसे आपकी 30 Mbps का भी कनेक्शन है तो 30 Mbps हर डिवाइस में नहीं मिल पाएगी, भले ही आपका राउटर 54 Mbps वाला है, क्योंकि तो ज़्यादा डिवाइस कनेक्टेड है तो आपको एक हाई एंड राउटर खरीदना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरी है रेंज। अगर आप रेंज को बढ़ाना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन आपको आता है, हम ले लेते हैं भाई साहब रिपीटर लगा लेते हैं, या फिर गूगल का जो नया आया रिपीटर वो लगा लेते हैं, पूरे घर में नेटवर्क फैला देते हैं। दोस्तों, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कई बार आपके 2.5 GHz से काम हो सकता है। दोस्तों, अगर आपके घर में ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं रहते हैं, 1, 2 या 4 डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं, तो 2.5 GHz का राउटर खरीदें, 5 GHz का खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2.5 GHz की रेंज ज़्यादा होती है 5 GHz से। हाँ, माना 5 GHz में स्पीड ज़्यादा अच्छी मिलती है और ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, लेकिन 2.5 GHz में आपकी रेंज ज़्यादा मिलती है। तो अगर आपके डिवाइस कम है तो 2.5 GHz पर जाइए, रेंज ज़्यादा मिलेगी। अगर आपके डिवाइस ज़्यादा है तो 5 GHz पर जाइए, फिर रिपीटर लगाइए, क्योंकि आप रेंज उससे नहीं बढ़ा पाएंगे 5 GHz से, 5 GHz का लगा के आपको रेंज बढ़ाने के लिए रिपीटर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हो गई रेंज की बात। तीसरी बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी के बारे में जैसे अभी भी बताया मैंने, 2.5 GHz, 5 GHz, लोग कन्फ्यूज आते हैं कि 2.5 GHz का खरीदें या 5 GHz का खरीदें। दोस्तों, कोई भी खरीदे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको डिवाइसेस देखने पड़ेंगे कि आपको कितने डिवाइस कनेक्ट करने हैं और आपको क्या रेंज चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, यही है, थोड़ी सी सेटिंग होती है, वो आप अपने जो लगाने आ रहा है आपका ब्रॉडबैंड या फिर जैसे ही आप कनेक्ट कर रहे हैं उससे करवाइए। तो हाई एंड राउटर्स का एक और ये फायदा होता है कि जब आप घर में होम सर्वर बना रखा है या फिर मिराकास्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं आप, तो आपका जो है राउटर वो अच्छा रिजल्ट देता है। लाइक आपने गीगाबाइट राउटर लगा रखा है और आपने 5 लैंडवायर से PC कनेक्ट कर रखे हैं अलग अलग नेटवर्क पे, तो नेटवर्क स्पीड आपकी 1 Gbps की आएगी, जो कि बहुत अच्छी स्पीड है। वेल, 10 GB के भी नेटवर्क हैं बाजार में। वेल, राउटर तो वाईफाई के थ्रू तो 10 GB बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको, बट आप गीगाबाइट राउटर में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए आप यूज़ करने वाले हैं कि नहीं। ऐसे ही मत खरीद लीजिए कि हाँ भाई इट्स सो फैंसी एंड ऑल पब्लिसाइज स्पीड। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट दी स्कूल वीडियोज़ ऑल्सो।